हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BDB ऑल अप टू डेट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ऐड एंड स्क्रीन, मतलब एंड स्क्रीन जो है किसी भी वीडियो के ऊपर वो कैसे लगाई जाती है। पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल BDB ऑल अप टू डेट्स पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो वीडियो है किसी भी वीडियो के ऊपर जैसे एंड स्क्रीन वो कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद हम जाएंगे अपने क्रोम के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है हमने सर्च मारना है www.youtubechannel.com, मतलब जो अपना चैनल होगा वो वाला। तो दोस्तों, हमें क्रोम के जाने के ऊपर जैसे हम पहले क्रोम पे जाएंगे तो हम यहाँ पे जो है वो सर्च मारेंगे www. ये वाला गूगल वाला पहले आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। गूगल वाले जाने के बाद हम यूट्यूब चैनल ये वाला सर्च मारेंगे हमारे पास। वो वाला आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो यूट्यूब है ये जो ओपन हो चुका है हमारे पास, ये हमारे जो क्रोम के ऊपर ओपन हो चुका है हमारा यूट्यूब। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ऑप्शन है जो यहाँ पे ये वाला आइकन, यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा पहले। और यहाँ पे ये देखिए योर चैनल पे जाना होगा। योर चैनल पे हम जाएंगे ना तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो होंगी। सपोज़ कीजिएगा कि मैंने इस वाली वीडियो पर अपना जो है वो लगाना है, हमारे पास था एंड स्क्रीन लगानी है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या करना होगा। पहले जब हम अपने इसके ऊपर जाएंगे ना, योर चैनल के ऊपर, योर चैनल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारी वीडियोज आएंगी। यहाँ पे पर थ्री डॉट्स आएंगे, थ्री डॉट्स के ऊपर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप, तो हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे अपने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप साइट का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। डेस्कटॉप साइट पे हम जाएंगे, ये देखिए ओपन हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अपना मेरा खुद का चैनल है टारगेट ग्रेड्स, उसकी जो मैंने डेस्कटॉप साइट है वो ओपन कर ली है। तो मैं अब लगानी है एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन लगाने के लिए मुझे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, कस्टोमाइज चैनल, ये देखिए फ्रेंड्स। तो हमें अब करना है कस्टोमाइज चैनल पर क्लिक। ये देखिए, ये हमारे पास ओपन हो गया है कस्टोमाइज चैनल। तो मैं अभी आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ना ऊपर एक चीज़ आ रही है यूट्यूब, और यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर और ये सभी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे हमारे वीडियो मैनेजर, तो मैं पहले वीडियो मैनेजर पे जाना पड़ेगा एंड स्क्रीन लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये ओपन हो चुका है हमारे पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो मैंने कस्टमाइज चैनल पर क्लिक किया था तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो हम ये देखना होगा कि हमें कौन सी वीडियो पे जो है वो हमारी एंड स्क्रीन लगानी है। सपोज़ कीजिए कि मैंने ये वाली वीडियो जो मेरी पहली पहली बार है CBSE NCERT क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री, ये वाली पे मैंने जो है अपनी जो है एंड स्क्रीन लगानी है। तो एंड स्क्रीन लगाने के लिए मैं यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर शेप में, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लिक कर दिया है ये। तो एक बार फिर से ये देखिए हो गया है क्लिक। तो यहाँ पे जो पेंसिल वाला निशान है, मुझे यहाँ पे जाना होगा पहले। पेंसिल वाले निशान पे जाने के बाद ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो आपको एंड स्क्रीन की ओर ले जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कार्ड्स और एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन लगानी है तो हमें क्या करना होगा, पहले मैं जूम करके बताता हूँ। ये वाला पेंसिल वाला ऑप्शन है ना इधर, तो इसको हमने सिंपली जो है क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स,
हमारे पास यहाँ पे ये जो एंड स्क्रीन लगने के लिए रेडी हो चुकी है। तो हमें यहाँ से उससे पहले क्या करना होगा, पहले हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि हमें जो है एक प्लेलिस्ट चाहिए हमारी, एक सब्सक्राइबर चाहिए, या दो वीडियो हमने लगाना चाहते हैं, या एक वीडियो एक प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं, या एक वीडियो के साथ एक सब्सक्राइबर या एक प्लेलिस्ट। मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, हमारे पास ये जो है दो वीडियोस वाली, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है ना जब, तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो है एंड स्क्रीन का, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है एंड स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एंड स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमारे वीडियो एलिमेंट है, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे पास हम दो चाहते हैं कि दो लगे हमारे पास, तो बेस्ट ऑफ व्यूर एक तो लगेगी, और एक हमारे पास जो लगेगी मोस्ट रिसेंट अपलोड, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। तो उससे पहले हमें चलना होगा यहाँ, ये देखिए फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ व्यूअर जो ऑटोमेटिकली लग जाएगी, अगर हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से लगाएं हम कोई भी वीडियोस, बेस्ट ऑफ व्यूअर ना लगाएं, मतलब जिसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आए हैं मीन्स टू से, वो हम ना लगाएं, हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम लगाएं, तो हमें जाना होगा चूज़ आ स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था ना जब, तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं ये जो ओपन हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी सारी वीडियोस हैं, सपोज़ कीजिए कि मैं ये वाली वीडियो लगाना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए एक फ्रेंड्स ये तो लग गया है। अब इसके बाद लगने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली वीडियो पर क्लिक कर दूँगा। इस वाली वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं एंड स्क्रीन एक तो लग गया है हमारे पास, एक और लगानी है हमें, तो हम करेंगे यहाँ पर बेस्ट ऑफ व्यूअर। हम चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा देखी गई है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लग जाएगी, तो बेस्ट ऑफ व्यूअर वाली वीडियो है जो वो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम चाहते हैं कि कोई और लगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे स्पेसिफिक वीडियो में। स्पेसिफिक वीडियो में जाने के बाद सपोज़ कीजिए कि मैं ये जो ब्लू इसकी जो है थंबनेल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो है ना ये वाला जो है वो लग गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सेव वाला ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला सेव वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे पास जो है सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अगर हम ये सिलेक्ट चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी एंड स्क्रीन है वो लगी है या नहीं, हमें पूरा क्राइटेरिया रिपीट करना पड़ेगा, और हमें फिर से यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो एंड स्क्रीन है वो अच्छी तरह लगी है या उसमें भी कमी है, तो फिर हम एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड स्क्रीन के ऊपर हम क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसको हटा दी जाए एंड, तो यहाँ पर डिस्कार्ड चेंजेस कर देना, बाकी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थी हमारी जो वीडियो आज का, होप सो कि वीडियो को आपको एंजॉय किया होगा कि हाउ टू ऐड एंड स्क्रीन टू एनी वीडियो। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए यूट्यूब लेक्चर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल BDB All Up Today। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।